सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूपी चुनाव में अपना दल एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगा चुनाव, कहा एमएलसी आशीष सिंह पटेल ने। कोरोना काल के चलते रोग के बाद भी संतान कामना को लेकर लोलारकुंड में स्नान के लिए उमड़ा हुजूर। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस पर बालिकाओं में शिक्षण सामग्री व प्राथमिक उपचार किट का वितरण। और मिशन शक्ति के अंतर्गत निकाली गई पदयात्रा, पदयात्रा मार्ग को किया गया सैनिटाइज। और अब खबरें विस्तार से। संतान प्राप्ति की कामना के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लोलार कुंड पर एकत्रित हुई। संतान कामना के पर्व सूर्य सृष्टि पर काशी में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर लगातार दूसरे साल भी लोलार कुंड में स्नान और पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद शनिवार की देर रात से ही लोलार कुंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। पुलिस और पीएससी ने बैरिकेडिंग कराकर श्रद्धालुओं को समझाना शुरू किया तो लोग अस्सी और तुलसी घाट की ओर रुक कर गए। इस दौरान लोलार कुंड में स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं का कहना था कि हम बड़ी उम्मीद से यहाँ आए थे, लेकिन निराशा हाथ लगी। कोरोना ने हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने के साथ ही हमारी आस्था पर भी गहरी चोट की है। अब गंगा में स्नान कर भगवान भास्कर से प्रार्थना करेंगे कि वह हमारी विनती सुने और हमें संतान सुख प्रदान करे। इस दौरान गंगा घाट पर आस्थावानों की भारी भीड़ देखी गई। गंगा जल को लोलार कुंड का जल मानकर संतान प्राप्ति की कामना में उसमें स्नान किया और अपने गीले वस्त्र को वहीं घाटों पर ही छोड़ दिया। गंगा घाटों पर आस्थावानों की उमड़ी भीड़ के चलते वहां भारी अव्यवस्था देखी गई। लोग पीने के पानी के लिए यहां से वहां भटकते देखे गए। घाट किनारे जो शौचालय बनाया गया है वहां भी ताला जड़ा था, जिससे क्षुब्ध हो लोगों ने जमकर जिला प्रशासन को कोसा। ज्ञात हो कि भाद्रपद महीने की शुक्ल षष्ठी को सूर्य षष्ठी का पर्व काशी में लोलार्क षष्ठी कहलाता है। लोलार्क षष्ठी पर संतान की कामना से आए हुए लोग भदैनी स्थित लोलार कुंड में स्नान कर लोलार्केश्वर महादेव के दर्शन पूजन करते हैं। संतान की कामना पूरी होने पर भी कुंड में स्नान, बच्चे का मुंडन और लोलार्केश्वर महादेव को पकवान चढ़ाने का विधान है। इसी के मद्देनज़र इस बार भी शनिवार की देर रात से ही काशी ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। लोलार्क षष्ठी पर रविंद्रपुरी कॉलोनी स्थित कीनाराम बाबा के आश्रम पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, किंतु कोविड गाइडलाइन के तहत आश्रम में उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, बल्कि मुख्य द्वार को ही बंद कर दिया गया था। ऐसे में श्रद्धालुओं ने गेट के बाहर से ही मत्था टेक लिया। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा मित्रों ने 80 घाट पर साफ सफाई की। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त इको स्किल गंगा मित्र आज़ादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाते हुए आज 12 सितंबर 2021 दिन रविवार को सुबह बनारस पर गंगा मित्रों की टोली ने श्रद्धालुओं द्वारा किए गए पूजा सामग्री, शीशे के फ्रेम वाले फोटो, प्लास्टिक श्रृंगार की वस्तुएं, कपड़े व अपशिष्ट पदार्थ, लगभग 2 क्विंटल कचरा नदी से बाहर निकाला। गंगा मित्रों ने नदी में उतरकर घाटों की सफाई की। श्रद्धालुओं ने गंगा मित्रों के कार्यों को देखते हुए उनकी प्रशंसा की व साथ ही साथ गंगा नदी में प्रदूषण न करने की भी शपथ ली। स्वच्छता अभियान के दौरान श्रद्धालुओं को जागरूक करते हुए टीम लीडर धर्मेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि हमें श्रद्धा भाव के साथ साथ नदियों को भी स्वच्छ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, तभी कहीं जाकर माँ गंगा को स्वच्छ बनाने में सफल होंगे। वहीं गंगा मित्र युग्मिता ने बताया कि नदियों के किनारे गंदगी न करें और गंदगी को कूड़ेदान में ही डालें। गंगा मित्र निधि तिवारी ने बताया कि गंगा केवल एक नदी ही नहीं वरन माँ है, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमें इसे स्वच्छ बनाकर रखें। स्वच्छता अभियान के दौरान गंगा मित्रों ने श्रद्धालुओं से वार्तालाप के दौरान यह पाया कि उनकी माँ गंगा के प्रति घनिष्ठ आस्था है और जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हम माँ गंगा को चुनरी, श्रृंगार, हलवा, पूड़ी चढ़ाते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि गंगा मित्रों के स्वच्छता अभियान को देखते ही श्रद्धालुओं ने नदी में माला फूल न डालकर नदी किनारे ही पूजा पाठ किया।
गंगा मित्रों की टीम लगातार 3 वर्षों से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, गंगा संरक्षण आदि पे कार्य कर रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाने हेतु इको स्किल गंगा मित्रों से धर्मेंद्र कुमार पटेल, सक्षम तिवारी, युग्मिता त्रिपाठी, निधि तिवारी, घनश्याम कुमार, राधा मौर्य, रविंद्र कुमार, शिवम पांडे, रविंद्र गुप्ता, पुनीत राव, अश्वनी पांडे, रामविलास, ऋतु भास्कर, वंदना गुप्ता, हर्ष, स्नेहा कश्यप आदि गंगा मित्र उपस्थित रहे। गुरुद्वारा कुंड में होता रहता था, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होता था और गंदगी होती थी, इसके कारण यहाँ गंगा जी के यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं लोग। यहाँ पे प्रति वर्ष हर भाद पक्ष के षष्ठी में कई देशों के लोग, विभिन्न देशों के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे अपनी श्रद्धा की वजह से स्नान करते हैं और यहाँ पे फूल वगैरह सब डालते हैं और हम लोग हमेशा स्वच्छता करते रहते हैं, इसीलिए आज भी आए हैं ताकि जो हमारी गंगा माँ दूषित हुई है उन्हें हम स्वच्छ करें। अपना दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व MLC आशीष सिंह पटेल ने रविवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA के अंग के तौर पर लड़ेंगे। अपना दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व MLC आशीष सिंह पटेल ने रविवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA के अंग के तौर पर लड़ेंगे। अपना दल के संस्थापक सोनीलाल पटेल का कुनबा क्या फिर एकजुट होगा? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने सर्वसम्मति से कृष्णा पटेल को प्रस्ताव भेजा है कि वह हमारे साथ आएं। इसमें उनकी छोटी बेटी और कुछ करीबी रिश्तेदार अहम भूमिका निभा रहे हैं। कृष्णा पटेल साथ आएंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जाएगी। वह चाहे तो उन्हें MLC का पद भी दे दिया जाएगा। इसके लिए वह खुद MLC पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं। आज हमारी पार्टी की जनपद स्तरीय संगठन समीक्षा बैठक है, जो चितईपुर के एक अभिनंदन गेस्ट हाउस में आयोजित है। करीब 1 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो मैं वाराणसी जनपद में संगठनात्मक जिस प्रकार की भी कमियां हैं इस बैठक के माध्यम से मैं दूर करने का प्रयास करूंगा और संगठन को बूथ स्तर पर पहुँचा करके हम आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ करेंगे। समाजवादी चले आपके द्वार के तहत रविवार को सपा की पदयात्रा वार्ड नंबर 15 सिकरौल पहुंची। समाजवादी चले आपके द्वार के तहत रविवार को सपा की पदयात्रा वार्ड नंबर 15 सिकरौल पहुंची। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉ. ओपी सिंह के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की नाकामियों के बारे में घर घर जाकर लोगों को अवगत कराया। डॉक्टर ओपी सिंह ने लोगों को बताया कि जनसंपर्क के दौरान सभी वार्डों की जन समस्याओं की जानकारी एकत्रित कर उसके समाधान के लिए हल्ला पुला जाएगा। समाजवादियों के क्षेत्र में नागरिकों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। डॉक्टर ओपी सिंह ने वार्ड में COVID-19 महामारी से मृत लोगों के परिजनों से भी मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। साथ ही डेंगू वायरल फीवर से पीड़ित लोगों की तकलीफों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर इस संबंध में प्रशासन पर दबाव बनाने और क्षेत्र में दवा का छिड़काव और फॉगिंग की मांग करने का भरोसा दिलाया। जनसंपर्क अभियान में मनोज यादव, गोलू, इसरार भाई, मनोज पहलवान, पिंटू यादव, हंसराज, बक्कू यादव, संजय यादव, सौरभ यादव, बेटू, रजत विश्वकर्मा, मोहम्मद आलम आदि भी शामिल थे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर हीरा ठाकुर अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर टिप्पणी की। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर हरि ठाकुर अपने एक दिवसीय दौरे पर रविवार को वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया के साथ बातचीत में श्री ठाकुर ने पिछड़ा वर्ग को भाजपा सरकार के द्वारा मिल रही लाभवंतित योजनाओं के लाभ के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के द्वारा पिछड़ा वर्ग को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि ये अच्छी बात है कि ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों के बारे में भी सोचते हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर हीरा ठाकुर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री थे और यह भाजपा की ही देन थी कि उन्हें जिला वर्ग कल्याण का मंत्री बनाया गया। उन्हें सरकार ने सम्मानजनक मंत्री का दर्जा दिया, लेकिन शायद उन्हें भाजपा की दी हुई रबड़ी और मलाई हजम नहीं हुई, इसलिए भाजपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारे ओम प्रकाश राजभर थे, वो थे ना, और जब थे तो उनकी जिम्मेदारी थी नहीं थी। आज वो हमारे साथ नहीं है तो जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, हमारे दूसरे राजभर आ गए। वो भाजपा का नहीं विरोध कर रहे हैं, वो भाजपा का विरोध अगर करते तो भाजपा में उन्हें भाजपा की देन है। आज वो अपने को ये कहने लगे मैं पिछड़ों का नेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, सम्मानजनक स्थान पर रखा। और एक गाँव में कहावत है, वो हम नहीं कहेंगे,
कि उनको शायद वो भारतीय जनता पार्टी ने जो रसगुल्ला और उनको मलाई दिया था वो खाने में। निर्माणाधीन श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में फिर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें ट्रक से शीशे की शीट उतारते हुए 2 मजदूर घायल हुए और 1 मजदूर की मौत हो गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माणाधीन मंदिर चौक में शनिवार रात ट्रक से उतारते समय शीशे की बड़ी प्लेट गिरने से चंदौली निवासी एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि मजदूर व मिनी ट्रक चालक घायल हो गए। दोनों घायलों को मंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन ने मृत मजदूर के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। कॉरिडोर की कई भवनों में इस समय मार्बल व शीशा लगाया जा रहा है। कार्यदायी एजेंसी PSP ने दूसरे शहरों से शीशे के प्लेटें मंगाई थी। रात करीब 8:30 बजे शीशा लेकर मिनी ट्रक पहुंचे। उतारने के लिए मैदागिन चौराहे से करीब आधा दर्जन मजदूर बुलाए गए। प्लेटों को ट्रक से हाइड्रोलिक के जरिए उतारा जा रहा था। काफ़ी संख्या में प्लेटें उतर गई थी। रात करीब 9:45 बजे हाइड्रोलिक में बंधी रस्सी से एक शीशा सरक कर तेजी से नीचे गिर गया। नीचे खड़े 4 मजदूरों ने 2 ने भागकर जान बचाई, लेकिन चपेट में आकर चंदौली जिले के बबरू निवासी सिंटू 22 वर्षीय पुत्र वकील और PDDU नगर कोतवाली के जलीलपुर का रहने वाला विनोद 30 वर्षीय पुत्र अंतु गंभीर रूप से घायल हो गया। पास में खड़ा प्रयागराज निवासी DCM चालक शहीद को भी हल्की चोट आई। सभी को मंडली अस्पताल में लाया गया, जहाँ सिंटू को मृत घोषित कर दिया गया। DM कौशल राज शर्मा ने बताया कि घायलों का निःशुल्क इलाज चल रहा है। मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। रोड में कुछ सामान उतारा था, उसमें एक छोटा एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 लोग यहाँ पे आए हैं। एक ब्रॉड डेड था, महिंद नाम का, और एक विनोद नाम के हैं, जिनको कि एडमिट किया गया है, स्टेबल हैं, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर। उनकी क्या स्थिति है अभी? तो उनका पल्स और ब्लड प्रेशर वगैरह देखा गया, ठीक है, स्टेबल है वो। रहते हैं और माल उतारते समय घटना घटी, शीशा पलट गया। अच्छा, तो कितने लोग घायल हुए इसमें? हमको नहीं मालूम था, हमारे तो आँख के सामने अंधेरा छा गया। मरवड़ी थाना क्षेत्र के महेशपुर भिटारी में 22 अप्रैल की रात ट्राली चलाने वाले बिहार बेगूसराय के रिंकू शाह की हत्याकांड का खुलासा करते हुए मरवड़ी पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा व मीडिया के सामने पेश किया। मरवड़ी थाना क्षेत्र के महेशपुर भिटारी में 22 अप्रैल की रात ट्राली चलाने वाले बिहार के बेगूसराय के रिंकू शाह की खून से लथपथ लाश मिली थी। शनिवार को SCP कैंट रत्नेश सिंह ने मरवड़ी थाना परिसर में इस घटना का खुलासा किया और बताया कि पड़ोस के में किराए पर रहने वाले बलिया के बाजडी कोतवाली के बड़ी बाजार उत्तरी टोला निवासी कुलदीप प्रसाद ने हत्या की थी। जुआ खेलने के दौरान इन दोनों में विवाद हुआ था और मारपीट भी हुई थी। SCP ने बताया कि महेशपुर में रिक्शा व ट्राली चालक जुआ खेलते थे। 22 की शाम कुलदीप और रिंकू जुआ खेल रहे थे। रुपए के लेन देन को लेकर उन लोगों में आपसी विवाद हो गया और मारपीट होने लगी। मारपीट में कुलदीप की टी शर्ट फट गई। कुलदीप जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग निकला। वह कमरे पर गया। पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त महेशपुर निवासी आकाश यादव की टी शर्ट पहनकर रात में रिंकू शाह के घर पहुंचा। उस समय रिंकू सो रहा था। कुलदीप ने डंडे से सिर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। रिंकू ने भी डंडा पकड़ लिया तो कुलदीप ने सब्जी काटने वाले चाकू से ताबड़तोड़ कई प्रहार कर दिए, जिसमें रिंकू शाह बुरी तरह लहूलुहान होकर घायल हो गया। रिंकू को लहूलुहान देख कुलदीप वहां से भाग निकला और खून लगी टी शर्ट कूड़े में फेंक कर अपने कमरे में जाकर आराम से सो गया, फिर वहीं रहने लगा। पुलिस के हाथ टी शर्ट लग गई। इस आधार पर पुलिस आकाश के यहाँ बार बार जाने लगी। इसकी जानकारी जब कुलदीप को हुई तो वह डर गया और मुंबई भागने के फिराक में लग गया। इसी बीच मरवाड़ पुलिस ने उसे धर दबोचा। 22-23 अप्रैल की रात में एक मर्डर हुआ था रिंकू शाह नाम के व्यक्ति की, मरवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उसके विवेचना में पता चला कि घटना की रात शाम को 22 की शाम को जुआ खेलने को लेकर के अभियुक्तगण और मृतक सब लोगों के बीच एक गाली गलौज हुआ था। गाली गलौज के दौरान अभियुक्त को कुछ ज़्यादा उसको लगा कि हर्ट हुआ होगा। वो रात में शाम को शराब पिया, वहाँ से आया, फिर उसके बाद अपने घर गया। घर के बाद मृतक के घर जा करके उसी गाली गलौज को लेकर के बासी पैसा कर लिया, फिर उसी में डंडा पड़ा हुआ था उसको मार दिया। और दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, उसी झगड़े के दौरान उसने चाकू भी उठाया और मृतक को मार करके उसकी हत्या कर दी और वहाँ से बंद करके चला आया। फिर अपने घर ना जा करके एक दूसरे मृतक के घर गया, वहाँ पर अपनी टी शर्ट जिसमें ब्लड लगा हुआ था उसको छिपा दिया और वहीं पर रात में सो गया।
दूसरे दिन जब इसकी विवेचना की गई तो इसे पता चला, लेकिन इसके पुष्टि करने के लिए हम लोगों ने परीक्षण वगैरह करवाया, उसके बाद आज निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसके द्वारा ही हत्या की। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। वी आर प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ जेएनएसएल। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JNASL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. Ganga ki leharon se galiyon ke chhor tak, Jamuna ke jor se bazaron ke shor tak, Circuit House aur Police Commissionerate tak, hum karenge sabki baat. देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, दो गज की दूरी का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव, वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। काशी यूनिवर्सल फाउंडेशन वाराणसी की ओर से मिशन शक्ति के अंतर्गत एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। वाराणसी लाइव, सच के साथ। काशी यूनिवर्सल फाउंडेशन वाराणसी की ओर से मिशन शक्ति के अंतर्गत एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। पदयात्रा में सैनिटाइजर वैन द्वारा पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। पदयात्रा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से आरम्भ होगा, रविदास द्वार लंका से होते हुए वापस मुख्य द्वार पर आकर समाप्त हुआ। काशी यूनिवर्सल फाउंडेशन की अध्यक्षता गुंजन नंदा ने बताया कि इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति तथा जन सामान्य को स्वच्छता के प्रति जागृत करना तथा महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना है, जिससे कि महिलाएँ अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठा सकें। इस रैली व पदयात्रा में अतिथि के रूप में काशी यूनिवर्सल फाउंडेशन के सदस्य मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काशी प्रांत के सह आयोजक ताज मोहम्मद जी की गरिमा में उपस्थिति रही। नगर निगम नगवा जोन के खाद्य एवं सफाई निरीक्षक आदरणीय गौरीशंकर वाष्णेय जी ने बताया कि ये पदयात्रा व रैली आम जन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु आयोजित की गई है तथा सभी लोगों को स्वच्छता व सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा शहर स्वच्छ व साफ रहे और संक्रामक रोगों और बीमारियों से बचाव हो सके। आज जो है कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मिशन शक्ति के तहत नारी की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए उनके एक रैली निकाली गई है, जिसमें ये बताया जाएगा कि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको हमें कैसे, उनको पता नहीं है, महिलाओं को जागरूक करना है इस विषय में। ये यात्रा कहाँ से कहाँ पर निकली? ये यहाँ BHU गेट से, रविदास गेट से होते हुए यहाँ वापस BHU। सच
के साथ। मिस्टर डीसी इंडिया 2021 का खिताब जीतने वाले प्रथम का हिंदू युवा वाहिनी द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पचकोसी निवासी प्रथम जायसवाल का सामना हिंदू युवा वाहिनी के आजाद मंडल के द्वारा वाराणसी मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला द्वारा अंग वस्त्र एवं मोमेंटो भेंट कर किया गया। इस अवसर पर पंडित चंद्रशेखर आजाद मंडल के मंडल प्रभारी विकास अग्रहरी, दिनेश अग्रहरी, अध्यक्ष मनीष वर्मा, संयोजक रवि विश्वकर्मा, आशीष जायसवाल, हिमांशु चौरसिया, विकास गुप्ता, गौतम मोदनवाल, सुमित अग्रहरी एवं आजाद मंडल के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। ज्ञात होगी पचकोसी निवासी शिव कुमार जायसवाल के सुपुत्र प्रथम जायसवाल पिछले दिनों देहरादून में आयोजित मिस्टर एंड मिस डीसी इंडिया कॉन्टेस्ट में मिस्टर डीसी इंडिया 2021 का खिताब जीत कर लौटे हैं। साथ ही उन्होंने मिस्टर डीसी लाइफ स्टाइल टाइटल अवार्ड भी अपने नाम किया था। आज प्रथम जायसवाल जो हमारे काशी के काल है, विगत दिनों फैशन शो का कार्यक्रम हुआ था देहरादून उत्तराखंड में, जिसमें आपको प्रथम पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार काशी के लिए गौरव की बात है और आपके चैनल के माध्यम से मैं नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि आप कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अपनी प्रतिभा को आप ले आ सकते हैं। प्रथम जैसे नौजवान अन्य युवाओं के लिए प्रेरणाप्रद हो सकते हैं। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस पर रविवार को चेतगंज स्थित अनुराग मातृ सदन में श्रीमती डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने 50 बालिकाओं में शिक्षण सामग्री के साथ प्राथमिक उपचार किट का वितरण किया। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस पर रविवार को चेतगंज स्थित अनुराग मातृ सदन में श्रीमती डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने 50 बालिकाओं में शिक्षण सामग्री के साथ ही प्राथमिक उपचार किट का वितरण किया। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह संबंधित कार्य में जुटे रहने वाले परिवार आसपास के अन्य गरीब परिवार की 50 बेटियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए सभी में शिक्षण सामग्री व प्राथमिक उपचार किट वितरण करते हुए अनुराग मातृ सदन की श्रीमती डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने कहा कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस का अपना इतिहास है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाने की शुरुआत सन 2000 ईस्वी में हुई थी, जब रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने मनाने की शुरुआत की। इसके बाद से हर साल विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को आपदा स्थिति में प्राथमिक उपचार के लिए जागरूक करना है। इस अवसर पर डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने कहा कि बेटियां जब शिक्षित होंगी तभी सशक्त होंगी और सशक्त होंगी तो देश के विकास में सहयोग करेंगी। उन्होंने कहा कि मणिकर्णिका घाट व आसपास रहने वाले गरीब परिवार की बेटियां अभाव में शिक्षित नहीं हो पाती, ऐसे में उनके पास शिक्षा सामग्री होगी तो घर बैठे शिक्षा की जानकारी मिल सकेगी। प्राथमिक उपचार व शिक्षण सामग्री पाकर सभी के चेहरे खिल उठे। इस दौरान डॉक्टर नाज फरहीन, श्रीमती रामा उदल, डॉक्टर पलक सिंह, डॉक्टर शांति गुप्ता, डॉक्टर प्रीति मौर्य लोग उपस्थित रहे। अनुराग मातृ सदन के अन्य स्टाफ भी उपस्थित रहे। मेरा कार्यक्रम था लड़कियों को शिक्षित करना, मिशन शक्ति के तहत लड़कियों को आज पढ़ने लिखने की सामग्री का मैंने उनको योगदान दिया कि क्या क्या कैसे वो पढ़ सकती हैं और फर्स्ट एड के दिन कैसे उनको अपनी सुरक्षा करना है। मान लीजिए घर में कोई चोट चपेट लग जाती है, तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, पहले आप फर्स्ट एड के थ्रू अपने को ठीक करिए, फिर उसके बाद डॉक्टर के यहाँ जाइए। मिशन शक्ति इस समय पूरे देश का क्या विश्व का पावर चल रहा है। अभी हाल में हम लोगों ने देखा था, मोदी जी ने अपने उसमें बताया है मिशन शक्ति के बारे में कि किस तरह से ऑर्बिट पर जाकर इस समय मिसाइल एंटी सैटेलाइट के थ्रू कैसे उन्होंने अंतरिक्ष पर जाकर उसको वायु सैटेलाइट को गिराया था, ये आप अपना स्पेस बनाए हैं। भाजपा बागेश्वरी मंडल का अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि महेश चंद श्रीवास्तव रहे। जनता पार्टी बागेश्वरी मंडल महानगर वाराणसी के तत्वाधान में शक्ति केंद्र नदेसर ए के बूथ संख्या 253, 254, 255, 256, 257, 258 पर शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत वर्चुअल कार्यक्रम मलदहिया स्थित सरलाइन होटल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद श्रीवास्तव थे। इस अवसर पर महेश चंद श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में विकास की लहर चल रही है, कहीं किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। माफिया या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने बूथ पर ध्यान देना है। बूथ जीता, चुनाव जीता के मंत्र को लेकर हर कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करे। उक्त अवसर पर प्रत्येक बूथ के बूथ अध्यक्ष एवं उनकी समिति शक्ति केंद्र संयोजक की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष सिद्धनाथ शर्मा ने किया। उक्त अवसर पर प्रमुख रूप से सिद्धनाथ शर्मा, सुशील कुमार गुप्ता, नवीन कपूर, मधुकर चित्रांश यादव, सत्यप्रकाश जायसवाल, सुदामा पटेल, संतोष पटेल, रचना अग्रवाल, प्रिंस कुमार,
अनुपम पांडे, सोमनाथ विश्वकर्मा, संजू जायसवाल, सलिन श्रीवास्तव, दिनेश साहनी, आकाश कुमार, संदीप अग्रहरी, विकास कुमार, संतोष कुमार श्रीवास्तव, मनीष की गर्मामयी उपस्थिति रही। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बूथ विजय अभियान का कार्यक्रम का शुभारंभ वर्चुअली किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सारे 27,700 शक्ति केंद्रों पर कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर हम सब कार्यकर्ता काम करेंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता उस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम। वाराणसी आजमगढ़ हाईवे स्थित उदयपुर नेदौरा गांव में शनिवार को ऋषि पंचमी के अवसर पर कृष्णा वाटिका में कृष्णालान का शुभारंभ किया गया। वाराणसी शहर के करीब 20 किलोमीटर दूर वाराणसी आजमगढ़ हाईवे स्थित उदयपुर नेदौरा गांव में शनिवार को ऋषि पंचमी के अवसर पर कृष्णा वाटिका में कृष्णालान का शुभारंभ किया गया। सुबह 9 बजे विधि विधान से पूजन के बाद यह लान शुरू किया गया। अधिष्ठाता के अनुसार अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस लान को कई नई तकनीकी से बनाया गया है। लॉन हाईवे के किनारे है, वहीं लॉन के अंदर बड़ा गार्डन के साथ ही दो बड़े हॉल जैसे कमरे और सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी लगा हुआ है। इस लॉन का शुभारंभ डॉक्टर वरिष्ठ सिंह ने फीता काटकर किया। लॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर वशिष्ठ सिंह ने बताया कि बीते कई वर्षों से वो अपने गाँव के करीब 40 परिवारों को राशन, शादी, अंतिम संस्कार कराते आ रहे हैं, जो आगे भी जारी रखेंगे। वहीं लॉन से संबंधित जानकारी देते हुए बताएं कि यह 1991 से कृष्ण भगवान के नाम से कृष्णा वाटिका नाम दिया गया था, जिससे उनके भजन कीर्तन के साथ कथाएं होती आ रही हैं। और अब जबकि यह विवाह समारोह होगा, इसलिए आंवले के पेड़ और तमाम पूजनीय पेड़ लगाए गए हैं, जिससे यहां अपनी नई जीवन यात्रा शुरू करने वाले दंपत्ति का जीवन मंगलमय हो। कृष्ण वाटिका का शुरू में मकसद था व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन दोनों के उद्देश्य से शुरू में रखा गया। पारमार्थिक जीवन में एक कोठरी बना करके उसमें हम साधना करेंगे और वेद मंत्र उसमें महावाक के जो वेदों के हैं अहम ब्रह्मास्म वगैरह वो लिखे थे, भागवत के श्लोक लिखे थे वो, और उसमें साधना का सोच चलती थी और ब्राह्मण लोगों को बुला करके रामायण की चौपाइयाँ या और जो हो सकता है धार्मिक चीज़ों का उसका गायन इस तरह चलता था। और व्यवहारिक जीवन में पास का जो गांव है जिसमें 40 घर हैं और आसपास की गरीब जनता, लेकिन स्पेशली 40 घर ये धरकार जो बहुत गरीब हैं जिनको खाने का ठिकाना नहीं। सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत, नमस्कार। लाइव सच के साथ।